अनुसार जिला प्रशासन शिक्षा विभाग अजीज प्रेमजी फाउंडेशनल एंड जन सहयोग से बच्चों में रचनात्मक गुणों के विकास के लिए जिले में चलाए जा रहे सीखना सिखाना समर कैंप के द्वितीय सत्र का शुभारंभ आज से किया गया है। कलेक्टर डोमन सिंह ने विस्तार से बच्चों से समर कैंप में होने वाली गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने कहा कि समर कैंप के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर छात्र छात्राओं द्वारा ग्रीष्म अवकाश का सदुपयोग किया जा रहा है। समर कैंप के सफल आयोजन के लिए प्रशिक्षण देने वाले शिक्षकों को बधाई देते हुए उनसे और वो अच्छा नवाचार अपनाने को कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शिक्षक समर कैंप में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं उनसे वे व्यक्तिगत चाय पर मुलाकात करेंगे तथा उन्हें आने वाले समय में सम्मानित भी किया जाएगा। इस मौके पर अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के जिला समन्वयक प्रकाश गौतम ने बच्चों को काफी ज्ञानवर्धक जानकारी एवं खेल खिलाए। साथ ही इसी क्रम में जिला पंचायत डॉक्टर फरीहा आलम सिद्दीकी ने बलोदा बाजार स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहुंचकर बच्चों का उत्साह वर्धन किया। इस तरह जिले के अन्य अधिकारियों ने भी अपने पूर्व निर्धारित स्कूलों में पहुंचकर सीखना सिखाना समर कैंप का विधिवत शुभारंभ किया। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जिले के शासकीय विद्यालयों में स्वेच्छा से शिक्षकों से यहां अपील करने के लिए कहा है कि बिना किसी दबाव के शिक्षक व छात्र छात्राएं प्रातः 8 से 10 बजे के बीच ग्रीष्म अवकाश में विद्यालय परिसर में अपनी इच्छा अनुसार सप्ताह में 4 दिन समर कैंप का आयोजन करें, जिसके अंतर्गत ड्राइंग, पेंटिंग, चित्रकला, संगीत, नृत्य, गीत, खेल व योगा जैसे कार्यक्रम में बच्चे अपनी सहभागिता अपनी स्वेच्छा से सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट।